मजदूरी करने वालों के लिए मतलब कि लेबर्स के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेबर कार्ड होना जरूरी है। लेबर कार्ड दो तरीकों से बनवा सकते हैं, या तो किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन से ऑनलाइन भी लेबर कार्ड बनवा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि आप ऑनलाइन लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सभी स्टेट्स में लेबर कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं, लेकिन प्रोसेस सबका लगभग सेम है। इस वीडियो में मैं आपको यूपी में लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया तो आप किसी भी स्टेट में लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये हिंदी में है, अगर आप चाहें तो यहाँ इंग्लिश पर क्लिक करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेन्यू में वर्कर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको लेबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ओटीपी भेज दिया गया है, आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। अगर एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ पुनः ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। अगर फिर भी ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ पर बार बार ट्राई करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे तो देखिए मोबाइल नंबर सत्यापित हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो गया है, आपको इन्हें कॉपी करके रख लेना है। यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ गो टू लॉगिन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आपका पोर्टल आ जाएगा। लेबर कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, ये आपको हिंदी में फिल करना है। मोबाइल फोन पर आप गूगल इनपुट टूल डाउनलोड कर ली हिंदी में टाइप करने के लिए, और अगर आप कंप्यूटर पर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो आपको अपना नाम डालना है, जैसा आधार कार्ड पर लिखा हुआ है ये आपको इंग्लिश में डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना हिंदी में नाम डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मोबाइल फोन पर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप गूगल इनपुट टूल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, जिसे आप हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पर हैं तो आप यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर चूज करेंगे गूगल इनपुट टूल्स। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे हिंदी में लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम टाइप करता हूँ ईशान सेड। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है इंग्लिश में, और यहाँ पर फादर नेम डालना है हिंदी में। यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है इंग्लिश में, और यहाँ पर आपको मदर नेम डालना है हिंदी में। अब यहाँ पर आपको कार्य का प्रकार यानी अपने काम का टाइप चूज करना है, किस तरह का काम आप करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी एक लिस्ट दी गई है जो कि हिंदी में है, बस आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कि अगर आप ईंट भट्टे पर काम करते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप सीमेंट कंक्रीट ईंट वगैरह ढोने का काम करते हैं तो आप ये चूज करेंगे। चौकीदारी करते हैं तो आप ये चूज करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक वर्क अगर आप करते हैं तो आप ये चूज करेंगे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप जेंडर चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो पहले यहाँ पर हम गूगल इनपुट टूल को यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे, और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ इस तरह से टाइप कर देंगे। यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे, आपकी शादी हो गई है या फिर आप अभी अविवाहित हैं। यहाँ से आप अपनी कास्ट चूज कर लेंगे, कौन सी कास्ट में आप आते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप यहां पर डाल सकते हैं। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का नंबर यहां पर डाल सकते हैं। अब यहां पर आपको नियोजक का नाम और पता डालना है, मतलब के कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास आप काम करते हैं उसका पूरा नाम और उसका एड्रेस आप यहां पर डाल देंगे। तो यहां पर जैसे कि ये हिंदी में टाइप करना है तो आप यहां पर चूज कर लेंगे गूगल इनपुट टूल और यहां पर हिंदी में टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। इसमें आप मकान नंबर डालेंगे जो कि वोटर आईडी कार्ड पर लिखा हुआ होता है। यहां पर आप अपने गली या मोहल्ले का नाम डाल देंगे। आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। थाना क्या लगता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से आप तहसील चूज कर लेंगे, आपकी कौन सी तहसील लगती है। नीचे आएंगे, यहाँ से आप चूज कर लेंगे आप शहर में रहते हैं या गांव में।
अगर आप शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पर नगर निकाय चूज करेंगे, लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो आप यहाँ विकास खंड चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप चूज कर लेंगे कौन सा विकास खंड आपके यहाँ पर लगता है। अब क्योंकि यहाँ पर विकास खंड चूज किया है तो यहाँ से आप अपने गाँव का नाम चूज कर लेंगे, लेकिन चलिए हम यहाँ पर नगर निकाय चूज कर लेते हैं। अगर आप नगर निकाय चूज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर वार्ड चूज करना होगा, यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो जस्ट आप यहाँ टिक पर क्लिक करेंगे, ऊपर का पूरा एड्रेस नीचे कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं और के रहने वाले हैं, जैसे कि आप रहने वाले हैं बिहार के लेकिन आप यूपी में काम करते हैं, तब आपको यहाँ पर बिहार का अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। पिछले 12 महीनों में आपने कितने दिनों तक काम किया है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। आप जो यहाँ पर लेबर कार्ड बनवा रहे हैं ये कितने सालों के लिए आप बनवा रहे हैं, 1 साल 2 साल या 3 साल आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ 3 साल चूज करेंगे तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने होंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पर पंजीकरण के लिए 20 रुपीज देने होंगे, जबकि अंशदान के लिए आपको 60 रुपीज देने होंगे। तो यहाँ पर हम 1 ईयर चूज कर लेते हैं। आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डाल देंगे और नॉमिनी से आपका क्या संबंध है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप मनरेगा में काम करते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, लेकिन अगर आप मनरेगा में काम नहीं करते हैं तो जस्ट आप इसको अनटिक रहने दीजिए। अब नॉमिनी का आपको यहाँ पर नाम इंग्लिश में टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी, यहाँ पर आप खाता संख्या डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, यहाँ पर बैंक में आपका क्या नाम है वो आप डाल देंगे और बैंक की शाखा का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, कौन सा खाता आपके पास है, बचत चालू या फिर जनधन आप चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा, घोषणा करनी होगी कि जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मैंने दी है बिल्कुल सही दी है, पिछले 12 महीनों में मैंने 90 दिनों तक काम किया है और मैंने किसी दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसके बाद अगर आप किसी और बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि आप बिहार से हैं, यूपी में आप काम करते हैं, लेकिन अगर आपने बिहार में भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना एक आधार कार्ड अपलोड करना होगा, बैंक की पासबुक आपको अपलोड करनी होगी, बैंक की पासबुक नहीं है तो आप बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, और आपको नियोजन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट एंड पे पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको एक फोटो अपलोड करना होगा, आपके फोटो का साइज मैक्सिमम 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो रखा हुआ है आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, जैसे कि हमारे केस में हम 1 साल के लिए बनवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर 40 रुपीज पे करना होगा, 20 रुपीज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है जबकि 20 रुपीज यहाँ पर अंशदान है। पेमेंट आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी वॉलेट से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से कर देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का पोर्टल आ जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर कंफर्म करेंगे, पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पैनल में अपने, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया है थैंक यू, ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया है। पंजीकरण फॉर्म में आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट का स्टेटस कम्प्लीट हो चुका है, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन कम्प्लीट होगी तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई कमी हुई तो आपको दोबारा से उसको सही करके अप्लाई करना होगा। यहाँ पर पंजीयन सर्टिफिकेट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने पंजीयन सर्टिफिकेट को यानी लेबर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के बाद। किसी भी टाइम आप यहाँ पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना पुराना पासवर्ड डालकर, यहाँ पर नया पासवर्ड डालकर, यहाँ पर दोबारा से नया पासवर्ड डालकर सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद किसी भी टाइम आप यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे। अगर इस तरह से यहां पर इनवैलिड लिखा हुआ आता है तो आप बैक जाएंगे इसी वेबसाइट पर, इसमें यहां पर आप श्रमिक पंजीयन पर क्लिक करेंगे और यहां आप गो टू लॉग इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करेंगे तो आप सक्सेसफुली यहां पर लॉग इन हो जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें लॉग इन करने में। मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए जितनी भी योजनाएं निकलती है उनमें अप्लाई करने के लिए आप सीधे यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।